स्टीरियोआइसोमरिज्म के बारे में पेपर में सब कुछ क्लियर लिखा होता है, लेकिन स्टीरियोआइसोमरिज्म को रियल वर्ल्ड में समझना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, स्पेशली क्योंकि स्टीरियोआइसोमरिज्म एक 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। आपके क्लासरूम में जो बोर्ड होता है वो 2 डायमेंशनल है। अब 2 डायमेंशनल में 3 डायमेंशनल डायग्राम्स कितना ही आप क्लियरली बना सकते हो, राइट? तो चलिए इस बार आपको दिखाते हैं एक 3 डायमेंशनल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्टीरियोआइसोमरिज्म एंड द प्रिंसिपल्स बिहाइंड इट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग केमिस्फीयर। फर्स्ट कीजिए आपके पास ये मॉलिक्यूल है। अब इसमें क्या देख रहे हो आप कि रेड वाला मॉलिक्यूल जो है वो रेड के पीछे है, व्हाइट वाला ग्रीन वाले के पीछे है, और इस तरह से आप इस 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल को देख सकते हो। नाउ लेट्स फोकस ऑन अनदर मॉलिक्यूल विच इज ऑलमोस्ट लाइक दैट, दिस वन। इसमें अगर आप सारे एटम्स को अरेंज करें कुछ इस तरह, लाइक दिस, इसमें क्या देखते हो आप कि ग्रीन वाला ग्रीन के पीछे है, व्हाइट वाला व्हाइट के, और रेड वाला रेड के। सो दिस मॉलिक्यूल और दिस मॉलिक्यूल, क्या सिमिलैरिटी है? क्या इसमें आप मॉलिक्यूल्स को घुमा सकते हो? यस, आप देख सकते हो कि इस मॉलिक्यूल में बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, ये वाला, दिस वन राइट हियर। इसके अलावा आप इसको फिक्स करके इसको आप घुमा सकते हो जितनी मर्जी, ताकि आप एटम्स की पोजीशंस को चाहे जितना मर्जी आप चेंज कर सकते हो। इसको कहते हैं नॉन रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड रोटेशन। अगर आप इनका फॉर्मूला लिखने जाएं तो एग्जैक्टली सेम होगा, क्योंकि इसके हर एटम में कनेक्टिविटी वही है, रेड, ग्रीन और वाइट। इसमें ये दोनों मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल नहीं हैं। इसमें दोनों ग्रीन एक साइड ऐसे, इसमें दोनों ग्रीन एक साइड करते हैं तो रेड के पोजीशंस मैच नहीं हो रहे। सो इस तरह के मॉलिक्यूल्स में हम कहते हैं कि स्टीरियोआइसोमरिज्म इज बीइंग शोन। तो स्टीरियोआइसोमरिज्म का मतलब ही यही है कि 3 डायमेंशनल स्पेस में मॉलिक्यूल्स का जो ओरिएंटेशन है वही अलग हो जाए। अब इसमें 2 टाइप के आइसोमरिज्म आते हैं। एक है काइरालिटी, यानी कि काइरल मॉलिक्यूल्स, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया। आप उसके आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को तुरंत देख सकते हैं। और दूसरा जो है वो है ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। लेट्स टॉक अबाउट दैट। ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म होता है इस टाइप के मॉलिक्यूल्स में, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एक डबल बॉन्ड, राइट? और डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पर ग्रुप्स दिख रहे हैं आपको इस तरह से। अब ये डबल बॉन्ड को आप ट्विस्ट नहीं कर सकते हैं, देख सकते हैं आप जैसे कि आप मोड़ने की कोशिश कर रहे हो, इट्स नॉट गेटिंग ट्विस्टेड, विच मीन्स दैट दीज एटम्स आर लॉक्ड इन द पोजिशन, यू कैन नॉट चेंज just like we did in the previous example. तो इस twist ना होने के कारण इस molecule के ऊपर notice कीजिए, यहाँ पर आप देख रहे हो कि 2 atoms opposite direction में दिख रहे हैं आपको, okay? Which means this green one and the other green one are exactly opposite of each other. Now you cannot bring this green back to this side by twisting it. क्यों नहीं कर सकते? Because we have a restricted bond rotation. ये पोजिशंस ऑफ एटम्स जो हैं ये परमानेंटली लॉक हो चुकी हैं इन चारों एटम्स के लिए। नाउ हैव अ लुक एट दिस मॉलिक्यूल। इसमें भी आप देख रहे हो डबल बॉन्ड है, इसमें भी रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड रोटेशन है, लेकिन यहाँ पर जो एटम्स हैं इसकी पोजीशन क्या है, एग्जैक्टली सेम साइड में है। द ग्रीन वंस आर ऑन द सेम साइड एंड द वाइट वंस आर ऑन द सेम साइड। तो इस मॉलिक्यूल में और इस मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है? यही कि एक में ऑपोजिट है, एक तरफ सेम है। तो ये परमानेंटली लॉक पोजीशन है। तो ये मॉलिक्यूल भले देखने में एक जैसी लग रही हो, लेकिन ये मॉलिक्यूल सेम नहीं है। इस वाले मॉलिक्यूल को कहेंगे हम ट्रांस मॉलिक्यूल। ट्रांस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऑपोजिट में है, ट्रांस का मतलब होता है ऑपोजिट, और ये वाला जो है इसे हम कहेंगे सिस मॉलिक्यूल, क्योंकि सिस मतलब सेम साइड होता है, सेम साइड ऑफ दी ऑडिकन से डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के सेम साइड में है दोनों आइटम्स। सो सिस एंड ट्रांस, ये होती है सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, जो कि स्टीरियोआइसोमरिज्म का पार्ट होती है। अब ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ डबल बॉन्ड में ही नहीं बल्कि किसी साइक्लिक कंपाउंड में भी देखी जा सकती है। जैसे आप देख सकते हो इस तरह के मॉलिक्यूल को हम कहते हैं साइक्लोप्रोपेन, बिकॉज एक ट्रायंगल बनता है 3 कार्बन्स, और उसके बाद आप देखते हो कि इसमें ये जो दोनों ग्रीन एटम्स हैं ये सेम साइड पे है, विच मीन्स दैट दिस विल बी अ सिस कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि सेम। अब हम एटम्स की अगर पोजीशन को चेंज कर दें लाइक दिस, तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहेंगे, ट्रांस कहेंगे। सो यहाँ पर भी आप इस पूरे सीक्वेंस को ट्विस्ट नहीं कर सकते, दे आर परमानेंटली लॉक्ड इन द पोजिशन। एज यू कैन सी दीज आर वेरी हार्ड बॉन्ड्स, यू कांट ट्विस्ट देम, नहीं तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ही टूट जाएगा, ऐसा कुछ आप समझ सकते हो। तो यही बेसिक्स है स्टीरियोकेमिस्ट्री की और स्टीरियोआइसोमर्स की, यानी कि सिस और ट्रांस फॉर्म जो होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, स्टीरियोआइसोमर्स या सिस ट्रांस आइसोमर्स भी आप कह सकते हो। तो दैट्स इट, दैट मच वाज फॉर टुडे इस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू केमिस्फीयर। इस तरह के रेगुलर वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें एंड डू गिव अस अ थम्स अप ऑन द वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।